छोटा सा अनुभव आपसे बांटता हूँ। मैंने कहा कि अपने मन को सिखाना होगा, समझाना होगा, ये मार्ग दिखाना होगा। छोटा सा अनुभव है एक साधक जीवन का, सो आपसे कह रहा हूं। जब आप ये करना आरंभ करेंगे ना, तो मन सुनेगा नहीं, क्योंकि मन का स्वर आपके स्वर से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। इसीलिए तो भला बुरा समझते भी कभी कभी जीव अनुचित कर बैठता है, कर देता है, भला बुरा जानते समझते भी कर देता है। क्यों? क्योंकि मन का जो स्वर है वो आपके मेरे स्वर से, वो चेतना के स्वर से बहुत ऊंचा हो गया है। तो इसीलिए आपको अभी मैंने कहा कि एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, ये बात मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप ये करना आरंभ करेंगे तो त्वरित परिणाम नहीं आएगा। आप सोचिए, आप आज मन से कहेंगे कि अरे मन सतत प्रभु का भजन कर और बस मन करने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, त्वरित परिणाम नहीं आएगा। लेकिन एक एक पत्थर कई चोट में जाकर टूटता है, लेकिन वो जो भीतर से टूटने की प्रक्रिया है वो पहली चोट से आरंभ हो जाती है। उसका पूर्ण परिणाम भले देर में आए, वो पत्थर पूर्ण रूपेण थोड़ी देर में जाकर टूटे, लेकिन उसके जो टूटने की क्रिया है वो पहली चोट से आरंभ हो जाती है। तो आप जब मन को अभ्यास कराना आरंभ करेंगे नाम का, रूप का, तो अभी क्या है, आपका स्वर बहुत कम है, हमारा स्वर बहुत कम है, मन का स्वर बड़ा ऊंचा है। इसीलिए मन अपनी इच्छा से आपको मुझे दौड़ाता है, भरमाता है, भटकाता है, चलाता है, और मैं तो कहता हूं जलाता है। अपनी इच्छा से चलाता है, फिर दौड़ाता है, फिर भरमाता है, कभी भटकाता है, कभी बहकाता है, और इसी प्रकार विषय की अग्नि में जलाता है। इसका स्वर बड़ा ऊंचा है, आप एक बार कहेंगे ये नहीं मानेगा, इसे सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, करते करते आप देखोगे, आप देखोगे आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा। भजन करते करते, सुमिरन करते करते, प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु का दर्शन करते करते, प्रभु का गुण गाते गाते आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा। फिर देखिएगा एक दिन आपके स्वर में, अंतरात्मा के उस स्वर में इतनी शक्ति आ जाएगी, आप एक बार मन से कहेंगे, और मन को स्वीकार करना पड़ेगा। जब संत अपने मन से कहता है तो मन जाता है प्रभु की ओर, लेकर जाता है उसे। इसीलिए कबीर ने कहा, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं भाई, कि वो जो अभ्यास का काल होगा उसमें मिलने वाली असफलता से घबराना नहीं। कार्य आरंभ कर दिया अर्थात वो होना आरंभ हो गया, भजन करने से ही होना आरंभ हो जाता है। पूर्ण रूपेण उसके आनंद का अनुभव, आस्वादन थोड़ी देर में जाकर होता है, बात ठीक है। आज ही माला लेते ही कोई भजन का रस नहीं आने लगेगा, पर आरंभ हो गया, कार्य आरंभ हो गया, आपने सही दिशा में पग बढ़ा दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी सफलता है कि आपने सही दिशा में पग आगे बढ़ा दिया है। तो ऐसा मन को पावन करने वाला, पवित्र करने वाला श्री कील देव जी का चरित्र, इनके चरित्र की महिमा ये है कि कुछ क्षणों के लिए मन को प्रभु के चरणों के निकट ले जाकर बैठा दिया आपने। मैंने प्रभु के पावन चरणों का स्मरण कर लिया। मैं दोहराता हूँ इनके इनके चरित्र के स्मरण के साथ अपने ये शब्द कि भक्ति हो या शक्ति, और या फिर भक्ति की शक्ति हो, एक ही ठौर से प्राप्त होती है, और वो है प्रभु के चरण, प्रभु के चरण, प्रभु के चरण। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद,
श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा लाल 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 के, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा। आगे श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है श्री अग्रदास जी का चरित्र। आप श्री नाभाजी महाराज के गुरुवर्य भी हैं, आप ही की कृपा से इस लोक को ये भक्तमाल का परम मंगलमय प्रसाद प्राप्त हुआ। पावन चरित्र है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितायो, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करियाए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर, कृष्ण दास भक्ति दत्त मन वच क्रम करी अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितायो। सर्वप्रथम जो इनके गुण का दर्शन श्री नाभाजी महाराज करते हैं, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि आप स्वयं श्री नाभाजी महाराज के सद्गुरु हैं, आप ही की कृपा से ये भक्तमाल रूपी नौका, ये निधि, ये संपत्ति और भजन भाव की समृद्धि इस लोक को, इस संसार को प्राप्त हुई है। प्रथम जो गुण आपका श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितायो, अर्थात एक क्षण भी भगवत भजन के बिना नहीं जाने दिया। जहां से आज की चर्चा आरंभ हुई कि जीवन में भजन को प्राथमिकता दी जाए, जीवन में भजन को वरीयता दी जाए, श्रेष्ठ स्थान दिया जाए, आरंभ करते हैं हम कि भाई संसार का काम करते करते भजन कर लेंगे, पर आना कहाँ है, भजन करते करते संसार का कार्य हो। बोली सखी कह रही ना, जब लो नाम सांस तब ही लो, रटत रटत न अघाऊं, सोवत जागत रटो निरंतर राधा राधा गाऊं। और साधक के जीवन में भाई ये लक्षण, ये गुण धीरे धीरे प्रकट होना चाहिए। इसे कहते हैं अव्यर्थ कालत्व। ये साधक जीवन का एक अनर्थ है, वृथा काल गंवाना, समय गंवाना। पूर्व भी चर्चा हुई कि सबसे अमूल्य निधि प्रभु ने आपको क्या देकर भेजा है, जीवन। जीवन क्या है, एक निश्चित अवधि है। आप देखो, जीवन और मृत्यु के दो छोर में बंधा ये जीवन वस्तुतः है क्या, जन्म और मरण के बीच में जो जीवन है वो है क्या, एक अवधि तो है ना, एक निश्चित काल है, समय है जो आपको मुझे दिया गया है। मनुष्य जीवन क्या है, एक निश्चित अवधि है जो आपको मुझे आत्म कल्याण के लिए दी गई है। इसीलिए संत कहते हैं, रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तब श्वास का तीन लोक नहीं दान। तो साधक के जीवन का ये एक बड़ा अनर्थ है, अव्यर्थ कालत्व, समय व्यर्थ ना जाए, अपनी ओर से प्रयास भरसक किया जाए कि समय न गंवाया जाए,
सबसे बड़ी क्षति समय की, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, धन की, सामान की क्षति पूरी हो जाती है, समय की क्षति कोई पूर्ति नहीं करा सकता, समय न जाए। और उस दिन मैंने आपको ये भी निवेदन किया था, ये भी जीवन का छोटा सा अनुभव है जो मैंने आपसे कहा था, कि आप ये संकल्प करोगे ना, सतत भजन करें तब थोड़ा वजन होगा। यदि आप ये संकल्प करें कि बस केवल भजन ही करेंगे तब आप भजन भी कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि भजन भी करेंगे फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। संकल्प ये हो कि केवल भजन करेंगे, भजन ही करेंगे, जब भजन ही करेंगे ऐसा सोचेंगे ना तब भजन भी कर पाएंगे। अब कोई सोचे कि भाई ठीक है कार्य भी कर लेंगे थोड़ा भजन भी कर लेंगे, तब भजन नहीं होगा। तो सबसे पहला गुण जो श्री नाभाजी महाराज दर्शन करते हैं आपके अपने अपने समर्थ सदगुरु में, कह रहे सबसे बड़ा गुण ये था, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। और ध्रुवदास जी ने जो वृंदावन की रहनी बताई है वो क्या है, कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान। बोले अगर वृंदावन मिल गया है ना भाई तो फिर इतनी बुद्धिमानी करना, मेरे बड़े बाबा ने मुझे ये बात बहुत आरंभ में कही थी और उनकी कृपा से ही ये बात, ये शब्द जीवन में आए। उन्होंने कहा कि बेटा अपना रंग दिखाना हो ना तो सारा संसार है, कहीं पर भी जाकर दिखाना, यही शब्द थे उनके। उन्होंने कहा बेटा अपना रंग दिखाना हो तो सारा संसार है, कहीं भी जाकर दिखाना, पर वृंदावनेश्वरी की कृपा से वृंदावन मिल जाए तो केवल भजन करना। कहां तू और कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भल बान। अगर वृंदावन मिल जाए तो बस केवल भजन करना। वृंदावन किसी किसी और कार्य के लिए नहीं है। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। तो वृंदावन की रहनी क्या है, बस के वृंदा विपिन में फिर इतनो बड़ो सयान। अरे अगर तुझे इतना श्रेष्ठ पद दे दिया है श्री जी की कृपा ने, अगर वृंदावनेश्वरी की कृपा से तुझे ये स्थान मिल गया है, फिर जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। एक क्षण ना जाए युगल चरण के भजन के बिना, युगल चरण के ध्यान के बिना एक क्षण ना जाए। तो संकल्पबद्ध होना होगा आपको और मुझे कि समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अरे प्रभु ने यही भेंट तो देकर भेजा है और जीव इसको गंवाकर बाकी सब कमा लेता है, समय गंवाकर सब कमाता है। मुझसे कोई कहे ना जीवन में ये कमाया वो कमाया, तो मैं कहता हूं मेरी दृष्टि से देखो जीवन गंवाया। आप कहते हो ये कमाया वो कमाया, ये बनाया ये मिटाया, अरे मैं कहता हूं जीवन गंवाया, समय गंवा दिया, समय न जाए व्यर्थ। और समय की सफलता, समय की सार्थकता बस यही है, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पैदाया। संत दुर्लभ को सुलभ करके बता देता है, वो कठिन से कठिन सिद्धांत को सहज करके दे देता है। भगवत रसिक देव कहते हैं जीवन की सफलता क्या है, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पैदाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विषम देखे माया। हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा। तो पहले भी मैंने विनम्रता पूर्वक आपसे कहा, आज फिर कहता हूं कि आपको और मुझे जो स्थान मिला है, आपको और मुझे श्री जी ने कृपा करके वृंदावन दिया है, ये ठौर दी है, जो जो यहाँ प्रकट रूप से रह रहा है ये बात मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, और जो भजन कर रहा है वृंदावन का, जो भाव से वृंदावन का सेवन कर रहा है ये बात मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ। हमें वृंदावन मिला है आपके मेरे जीवन का, तो ये व्रत हो, ये जीवन व्रत हो आपका मेरा। और मुझे लगता है आचार्य को ना तो इससे कम कुछ निवेदन करना चाहिए और ना इससे अधिक आप और मैं कुछ निवेदन कर सकते हैं। एक जीवन व्रत हो आपका मेरा कि युगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजिए जा, निमिष ना दीजिए जा। और मैं फिर कहूं आपको भाई, ऐसा संकल्प करोगे तो थोड़ा सा भजन होगा, ऐसा निश्चय करोगे तो थोड़ा सा भजन कर पाओगे, नहीं तो भाई ठाकुर जी ने तो कहा भाई मैंने तो तुम्हें युगों युगों से चेता रखा है कि मम माया दुरत्य,
भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हें सदा से कहता आया हूं भाई, मम माया दुरत्यया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि चलो छोड़ो, कथा आगे बढ़ाते हैं। तो श्री अग्रदेव जी सदा रहते मानसी भावना में, मानसी सेवा में, नित्य साकेत धाम में आप श्री जानकी जी की चंद्रकला सखी के अवतार माने जाते हैं। उसी रूप में आपकी नित्य लीला में स्थिति है और सतत रहते श्री जी की मानसी सेवा के पारायण, सतत श्री सीताराम जी का ध्यान करते, मानसी भावना करते, मानसी सेवा आपकी सिद्ध थी। और प्रसिद्ध बाघ सो प्रीत सुहृत कृत करत निरंतर, सिय मन रंजिनी वाटिका, बगीचा बड़ी सुंदर वाटिका, बड़ा सुंदर उद्यान था, अपने अपने कर कमलों से आपने वो उद्यान लगाया था। और बस उस उद्यान में रहकर इसी भावना से भजन करते थे कि श्री रघुनाथ जी एवं श्री जानकी जी इन इन कुंजों में विहार करते हैं, उसकी एक एक लता, उसकी एक एक लता का बड़े स्नेह से, बड़े वात्सल्य से पालन पोषण करते थे, सतत मार्ग झाड़ते बुहारते रहते थे, सुंदर सुवासित द्रव्यों से उस मार्ग का सिंचन करते रहते थे। अर्थात जो उनकी भजन स्थली थी वो सुई वाटिका ही थी, उस वाटिका के एक एक पुष्प को बड़े लाड़ से, बड़े प्रेम से श्री जी की सेवा में निवेदन करते, सतत उस वाटिका की एक एक लता पता की सेवा करते कि ये इस वाटिका में श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी, श्री रघुनाथ जी के साथ विहरण करने आती हैं। इस वाटिका को देखकर श्री किशोरी जी को सुख होता है, उनके हृदय को आनंद होता है। और भक्त का जीवन क्या है, भगवान के आनंद का, भगवान के आनंद का स्मरण करना, भगवान के आनंद का भजन करना, भगवान के आनंद के लिए सेवा करना। तो सतत मानसी भावना से उस श्री सियमन रंजिनी वाटिका की सेवा में आप रहते। एक बार राजा मानसिंह 10,000 की फौज के साथ जा रहे थे। अब मार्ग में श्री अग्रदेव जी महाराज विराजमान थे। राजा मानसिंह जो थे वो संत सेवी थे, उनके मन में संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बहुत संतों का दर्शन और कृपा प्रसाद उन्होंने प्राप्त किया। तो 10,000 की फौज इनके साथ थी। अब भाई श्री अग्रदेव जी महाराज तो एकांतिक भक्त, भक्त भांति भांति के हैं, पर नारद जी कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो एकांत में अपने प्रभु का भजन स्मरण करते हैं, श्री नारद जी कह रहे हैं वो भक्तों में मुख्य हैं, प्रमुख हैं। तो श्री अग्रदेव जी का ऐसा ही जीवन, एकांतिक अपनी मानसी भावना परायण रहते, लीला चिंतन सतत होता था और सखी स्वरूप में श्री जानकी जी की सेवा में आप तत्पर रहते थे। तो किसी ने जाकर भीतर कहा कि भाई राजा मानसिंह आ रहे हैं। जब साथ में ये खबर पड़ी कि 10,000 की फौज भी साथ में है, तो जो शायद उस समय ये वाटिका में सोहनी सेवा कर रहे थे, तो वो जो झाड़ बुहार कर सूखे पत्ते एकत्रित किए थे उसको कहीं पर जाकर रखने के ब्याज से गए और लौट कर ही नहीं आए। राजा मानसिंह द्वार पर खड़े थे, श्री नाभाजी महाराज सेवा में थे। राजा मानसिंह ने कहा कि भाई आपके गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो नाभाजी महाराज ने कहा कि अभी गुरुदेव सेवा में है, आप कुछ काल प्रतीक्षा करिए। बड़ी देर हो गई प्रतीक्षा करते करते, श्री नाभाजी महाराज भीतर गए कि मैं गुरुदेव को कम से कम इस बात का संकेत कर दूं कि राजा मानसिंह फौज लेकर द्वार पर खड़े हैं और उनको आगे भी जाना है। जब श्री नाभाजी महाराज भीतर गए तो देखा भजन भाव पारायण श्री अग्रदेव जी, उनको तो सुध नहीं देह की, सुध ना ही धन धाम की, पसीने से प्रस्वेद से तर बतर उनका वो भजन भावना पूत गात, मुख पर अद्भुत आनंद छलक रहा है, नेत्र के कोर बता रहे हैं कि प्रेम के अश्रु अभी अभी टपके हैं। श्री नाभाजी महाराज जान गए कि गुरुदेव इस समय मानसी भावना पारायण हैं। और जब भगवत भाव प्रगाढ़ होता है तो वो संक्रमित भी होता है। जैसे कोई बड़ा तीव्र सुगंध वाला इत्र हो, अगर मात्र उसकी शीशी का ढक्कन खोल दिया जाए, उसके पात्र को नेक सा खोल दिया जाए, तो उसकी सुवास प्रसारित होने लगती है। ऐसे ही जब भजन भावना प्रगाढ़ होती है तो वो जो परमाणु है वो संक्रमित होने लगता है। जब श्री नाभाजी महाराज गुरुदेव के निकट पहुंचे तो वो परमाणु संक्रमित हुआ। वो कोई ऐसी विलक्षण भावना परायण श्री अग्रदेव जी महाराज उस समय अवस्थित थे कि नाभाजी महाराज उनका दर्शन करते ही
उसी भावना के निकट पहुंच गए, उनको भी प्रेमोद्रेक हो गया और जय श्री सीताराम का उच्चारण करते करते वहीं गुरुदेव के चरणों के पास बैठ गए। अब राजा मानसिंह को थोड़ी खीज हुई, 10,000 की फौज साथ में है। जब भीतर आए और श्री अग्रदेव जी महाराज और श्री नाभा जी महाराज को उस भावपरायण दशा में देखा तो कहते मानसिंह की आंखों में भी अश्रु आ गए। अर्थात ये बात संत कुछ इस प्रकार से निवेदन करते हैं कि वो राजा रजोगुणी जिसका चित्त है उसके हृदय को भी उस भाव ने ऐसा स्पर्श किया कि कुछ क्षणों के लिए तो उसका हृदय भी अभिभूत हो गया। मैं आपको यहाँ पक्षपात पूर्वक एक बात कहना चाहूँगा भाई, भगवान का भजन करने की अनेक अनेक विधियाँ हैं। ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, योग का मार्ग है, और भी हो सकता है बहुत अनेक मार्ग ऐसे भी हों जिनके विषय में हम नहीं जानते हों। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की लीला का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। पता नहीं किस किस मार्ग से भक्त लोग, साधु लोग, सिद्ध लोग, योगी लोग, यति लोग, तपस्वी लोग, सन्यासी लोग भगवान तक पहुंचे हैं, पहुंचते रहेंगे। पर फिर भी मैं कहता हूं भाई, आप हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रकटित, प्रतिष्ठित, प्रकीर्तित ये अद्भुत मार्ग मिला है, जहाँ मन प्रभु का होकर प्रभु की सेवा करता है, भजन भावना परायण होता है। और मैं इसीलिए मैंने कहा भाई, मैं पक्षपात पूर्वक ये बात कह रहा हूं, हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा सौभाग्य विशेष है कि हमको इस जीवन में इन आचार्यों की, इन रसिक भक्तों की, इन रसिक संतों की चरण शरण मिली है। हमारा जीवन ऐसी भावना से सुंदर बना है, हम मन से श्री जी की सेवा में जाते हैं। हम स्वयं को प्रियाजू के अनुकूल अनुरूप विचार कर प्रियाजू के निकट जाते हैं। जिसका सिद्ध लोग, जिसका योगी यति लोग अपनी समाधि में भी कभी दर्शन नहीं कर पाते, जिनके चरणों की नख चंद्रिका भी कभी उनके हृदय में नहीं आती, महाप्रभु स्वयं श्री सुधानिधि जी के आरंभ में कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य इरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। श्री कृष्ण के चारु चरणों की वो जो नख चंद्र चंद्रिका है, वो चंद्रिका की जो छटा है, वो भी योगिंद्रों के ध्यान में नहीं आती। और यहाँ हम पता नहीं किस अधिकार से, हम पता नहीं किस अधिकार से उनको उनको लड़ाते हैं लाड़, उनको दुलराते हैं, उनको सजाते हैं, उनको संवारते हैं, उनका दर्शन पाते हैं और ये सुख पाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ और कहता रहूँगा भाई, बड़ा विशेष अवसर प्रभु ने हमें दिया है। वैसे तो मानव जीवन ही अवसर है, लेकिन ऐसे रसिक संतों की चरण शरण मिले तो विशेष अवसर है, विशेष कृपा है। और जब अवसर विशेष है, कृपा विशेष है, तो मुझे लगता है आपका मेरा कर्तव्य भी विशेष है, फिर आपका मेरा उत्तरदायित्व भी विशेष है। इसलिए बस के वृंदाविपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन दिवस न दीजै जान, निमिष न दीजै जान। जब मानसिंह ने आकर देखा तो स्वयं का सौभाग्य माना, कृत कृत्य हो गया कि प्रभु के ऐसे भक्त जो वस्तुतः प्रभु का स्वरूप ही हैं, जो इस लोक में प्रकट रूप से भगवत स्वरूप होकर विराजमान हुए हैं, हमको ऐसे भक्त का दर्शन हुआ। और संत तो ये भी बताते हैं कि कुछ काल स्थिर हो गए राजा मानसिंह उस छवि का दर्शन करके। श्री अग्रदेव जी और श्री नाभा जी महाराज की वो भजन परायण स्थिति, वो दशा, वो भाव देह, उसका दर्शन करके स्तंभित हो गए राजा मानसिंह, जड़ हो गए आनंद में। और कहते हैं जब थोड़ी चेतना हुई श्री अग्रदेव जी को और उन्होंने देखा कि मानसिंह करवद्ध खड़े हैं, उनको भी प्रेम के भाव ने स्पर्श कर लिया है, तो श्री अग्रदेव जी महाराज ने कृपा करके श्री नाभा जी महाराज को 10 केले दिए और कहा कि जाओ सब में प्रसाद बांट दो। अब राजा मानसिंह ने सोचा कि भाई बाहर तो 10,000 की फौज खड़ी है, तो उन्होंने कहा केवल हमें ही दे दीजिए। तो श्री अग्रदेव जी महाराज ने कहा कि साधु के लिए राजा श्रेष्ठ नहीं होता और कोई कनिष्ठ नहीं होता, जो आया है सबको प्रसाद मिलेगा। राजा मानसिंह इस संकोच में थे कि भाई 10 केले सब में कैसे बटेंगे, और फिर राजा है, भगवत भाव का स्पर्श तो हुआ प्रसाद से, लेकिन संत की महिमा क्या है शायद अभी पूर्ण रूपेण नहीं जानता है। श्री नाभा जी महाराज ने वो 10 केले लिए, सबसे पहले राजा मानसिंह को दिए,
10,000 सैनिकों को 10-10 केले देने के बाद भी सोई 10 केले आकर श्री अग्रदेव जी महाराज को लौटा दिए। तब राजा मानसिंह को बोध हुआ कि कोई और नहीं, स्वयं प्रभु ही हैं जो इस धराधाम पर धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति भाव की प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, पुनः पुनः आते हैं और इस लोक का मंगल करते हैं, हम जैसे अधम जीवों का उद्धार करते हैं, हम जैसे पतितों को पावन करते हैं। तो ऐसा अत्यंत पवित्र चरित्र श्री अग्रदेव जी महाराज का है और आप श्री नाभाजी महाराज के सदगुरु हैं, सो इस नाते भी आपके श्री चरणों में बार 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 वंदन करते हैं, आपके श्री चरणों की बलिहारी लेते हैं, आपके प्रसाद से ये लोक ये संसार पावन हुआ है भक्तमाल जैसी परम निधि पाकर। आज का भाव यही भगवत स्मरण करते हुए प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करते हैं।